उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने शनिवार को नवीन महवा मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने मंडी परिषद के कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करके मंडी समिति के कार्यों की समीक्षा की तथा मंडी के फल, सब्जी, मछली, गल्ला मंडी का पैदल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी के व्यापारियों के समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान व्यापारियों ने जर्जर भवन, टूटी नालियों और उस पर स्लैब लगवाने की बात कही, जिस पर डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि यह कार्य जल्द ही करवा दिया जाएगा। जिसके संबंध में प्रदेश के मंडी परिषद के डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि व्यापारियों की कुछ समस्या है, उनमें से मुख्य मांग है कि मंडी का विस्तार किया जाए। उन्होंने कहा जल्द ही मंडी परिषद द्वारा जमीन खरीद कर मंडी का विस्तार किया जाएगा। जनपद गोरखपुर घनी आबादी वाला क्षेत्र है तथा यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे मंडी में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडी में जो भी ग्राहक या व्यापारी दूर दराज से आए, उन्हें महसूस ना हो कि वह किसी गंदी जगह पर आए हैं। मंडी को हमेशा साफ सुथरा रखा जाए और यहाँ गंदगी का नामोनिशान ना रहे तथा मंडी में हमेशा साफ सफाई समय समय पर होती रहे। इस अवसर पर मंडी परिषद के सचिव कौशल किशोर सिंह, मंडी सचिव सेवाराम वर्मा, मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के मंडी परिषद के निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने कहा, उचित बात करना, उचित दूरी रखना जरूरी है। भारत सरकार मॉल, स्कूल एवं कॉलेज को बंद करके, कार्यक्रमों को स्थगित करके और कॉर्पोरेट घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की प्रथा का उपयोग करके तो हमें बताना चाहिए था ना, हम मुख्यमंत्री जी का की नाराजगी से लेकर चेयरमैन को फोन लगाइए तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है सर, अभी आपको लेकर गल्ला मंडी, गल्ला वाला सब्जी मंडी गल्ला आप ये कहिए उन लोगों को, आज मैं तो खुद इसका फॉलोअर हूँ, फॉलोअर हूँ, मैं सब्जी मंडी का मैं अध्यक्ष हूँ सर, मेरा फॉलोअर हूँ मैं कि ये मैं आया हूँ सब्जी मंडी आपको लगी है लगी है तो जिंदगी एक आदमी को झाड़ू देता हुआ दिखाई दिया अगर आपको ये ग्यारह 4,40,000 तब भी आपको 44,000 तो ले जाएंगे, चलो 3,00,000 करके हम सही 8 काम कर देते हैं, हम 9,000 देंगे, हमारी पुरानी का पोर्शन लगा रखा है।
स्लैब नहीं डलवाई नाली में गंदगी उसी टाइप आती है ना सर, वो थोड़ा गीली हो गई वरना ये नहीं तो ले जाते हैं यहाँ से दिख जाते हैं। देखिए अभी इन्होंने कितना सुंदर बना रखा यहाँ कोई व्यापारी है इन दुकानों से ऊपर जो है सर टीना जो है चूरा है उसको ठीक करा दें। और कोई समस्या नहीं बता दो आप बताइए खुल के बताइए यही तो ना यही तो तुमने कहा। हाँ सर ये तो आप पहले स्लैब लगवा दीजिए ऊपर ठीक तरह से सर स्टील की जाली के लिए छोड़ रखा है सर ये वाला जो पोर्शन जो भी हो जाए सफाई के लिए छोड़। आप ये समझिए कि अगर इसको हम पूरे डिमोलिश करके नए सिरे से बनाएंगे सर तो पैसा तो बहुत ज़्यादा लगेगा उसकी ज़रूरत भी नहीं दिखाई नहीं सर सामने दिख रहा है ऐसा इन्होंने अंदर क्या है इसको महाराष्ट्र आती है लोकल मछली भी नहीं है ये समुद्र से आती है नहीं समुद्र वाले कम आती है सर उधर ड्राई फिश खाने वाले कम है गिली छोटी होती है छोटी छोटी मछली छोटी वही है और ये जाती हैं बंगाल बंगाल साइड में सफाई करने के लिए बच्चा डाले सफाई करने जाती थी बंद है मजा तो मारेंगे नहीं तो सूख जाती है उसे दुखा करके फिर जाए वो पूरे मुर्गी दाने होने मुर्गी दाने अच्छी क्वालिटी की बिकती है शाम का थोड़ा मोड़ा आता है अरे हाँ थोड़ा है काट कर लेकिन रहता है जगह जगह रहता है हमारा रहता है। कैसे कितने रुपए किलो बेचते हैं? 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये बेच सकते हैं लोग उसको नहीं खाते मुर्गियाँ खाते मुर्गी काम आता है वही जो है जो मछली के बच्चा छोड़ते हैं उसको भी खिलाते हैं फिर उसके भी काम आता है फिर मछली को मछली खिलाया ये बिल्डिंग उसकी है सर ये नई वाली बिल्डिंग नहीं ये नई वाली बिल्डिंग है सर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के क्या हमने कर दिया अब ये नए फार्म लाज आ गए हैं उसमें इन्हें हमको कोई बुकिंग नहीं है निरीक्षण कर ही रहा हूँ और कमियां कोई खास नहीं निकली हैं। मेरे निरीक्षण का उद्देश्य ये था कि गोरखपुर मंडी समिति में इनका जो परिसर है दो तीन बिंदु प्रकाश में आए थे। एक तो यह था कि यहाँ पर स्थान कम पड़ रहा है और कहीं और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए इसका विस्तार आवश्यक है। दूसरा जहाँ हम लोग खड़े हैं मत्स्य मंडी है मछली मंडी यहाँ पर दुकानों की मरम्मत का इशू था कि दुकानें मरम्मत की जाएं या इनको डिमोलिश करके नए सिरे से निर्माण किया जाए तो फिजिकली देखने से चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होती हैं इसलिए मैं आया हूँ। निर्देश के तौर पर आप जानते हैं कि जो जहाँ जन सामान्य को ज़्यादा सुविधा महसूस हो यहाँ आने में हमारे व्यापारियों को ज़्यादा सुविधा महसूस हो वो सारे निर्देश हमने दिए हैं वो कार्य करेंगे। मंडी को सुंदर बनाया जाएगा जो काम हो रहे हैं गुणवत्तापूर्ण होंगे। कहीं कहीं नालियों पे से स्लैब हटे हुए दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हैं और जो गंदगी दिखाई दे रही है उसके बारे में सचिव साहब ने ये कहा कि 2:30 बजे के बाद से सफाई शुरुआत होती है। निर्देश ये कि स्वच्छता रखें सफाई रखें यहाँ कोई व्यक्ति यदि बाहर का आता है तो एक अच्छी भावना एक अच्छी फीलिंग लेके जाए उसे ऐसा न लगे कि बहुत गंदी जगह आ गए हैं। सुंदर और स्वच्छ रखें मंडी को यही उद्देश्य है।
और मुझे विश्वास है कि निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों ने बैठकर ये भी मत कहिए कि निर्देश दिया है, बैठकर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और उम्मीद है कि मेरे आगमन से स्थितियां और बेहतर हो। सर कोई समस्या नहीं बताई, उन्होंने एक मांग रखी है कि अब चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, गोरखपुर शहर का प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ है, आप देख रहे हैं, तो डिमांड भी बढ़ रही है, मंडी में फल और सब्जी का व्यापार होता है, मत्स्य का भी व्यापार होता है, तो यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, मुख्यतः उन्होंने यही बिंदु उठाया है, तो इसके लिए कार्रवाई की जाएगी, कहीं और इनके लिए जो उपयुक्त स्थान हो वहाँ पर ज़मीन खरीद कर इसका प्रसार किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा।